अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू ट्यूब में। और आज मैं आपको दिखाने वाली एक और कफ सिरप का रिव्यू। ये कफ सिरप जो है वो उसका नाम है सेटरीजिन HCL डेक्स्ट्रो मिथोरफैन HBR एंड फिनाइलएफरीन HCL सिरप, शॉर्ट में बोले तो बायोकॉफ मिंट। जी हाँ, यही नाम से आप दुकान में इसे आसानी से पा सकते हैं, बायोकॉफ मिंट नाम से। एडवांस्ड परफॉर्मेंस, यही इसका कैची लाइन है। और ये 100 ml का आप देख ही सकते हैं, और प्राइस जो इसका 112 रुपीज़ है, 112। और इसका सबसे ज़रूरी है वो है एक्सपायरी डेट देखना, क्योंकि वो बहुत ही अहम होता है। तो इसका एक्सपायरी डेट है 2022, और इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2020। तो ये 2020 का अक्टूबर में बना था 10 में, और ये 2022 का सेप्टेम्बर में ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पहले आपको इसे इस्तेमाल करना है। वेल, जब आपका खांसी पकड़ता है, देखिए खांसी जो है वो सर्दी सूखने के बाद ही पकड़ता है, क्योंकि अंदर में जो है वो कफ जम जाता है। तो दो तरह के खांसी होते हैं, एक होता है वलगम वाला, जिससे आपका वलगम या कफ निकलता है, और एक होता है सूखा ड्राई कफ, जो आपका सिर्फ खांसी से आपका मतलब सिर्फ खांसने से वो होता है, उससे कफ वलगम नहीं निकलता है। तो ये स्पेशली जो है आई थिंक ये वलगम वाला है, बलगम के लिए, क्योंकि मैं बहुत मेजर फीवर से गुजर रही हूँ, और बहुत दिनों से मेरा सर्दी भी था, तो अभी वो सूख गया है। तो इस वजह से बलगम के साथ और कफ के साथ वो निकल के आता है बाहर। तो इसका जो डोजेज है, आइए दोस्तों उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। डोजेज अडल्ट के लिए 1 to 2 teaspoonful 3 times a day, टीस्पूनफुल यानी आपको इससे खाना पड़ेगा, इसके ढक्कन के इससे खाना पड़ेगा 1 to 2 teaspoonful, और 3 times a day। और इन्फेंट्स और चिल्ड्रन, यानी इन्फेंट जो एकदम बेबी होता है उनके लिए और चिल्ड्रन के लिए 1/4 to 1 teaspoonful 3 times a day, और एज राइटेड बाय द फिजिशियन। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, यानी तो आप मेरी माने तो मैं इसे दिन में 2 बार खाती हूँ, सुबह और रात में। 5 ml क्वान्टिटी 2 बार लेकर, यानी 10 ml सुबह 10 ml रात में। सुबह इसलिए क्योंकि सारा दिन वो असर करेगा, और रात को इसलिए क्या ताकि वो मुझे चैन से सोने देगा, क्योंकि रात को खांसी जो है बहुत जल्दी उठता है और दिक्कत करता है सोने में। एनीवेज, तो आपको पता ही होगा ये सिरप किस किस फॉर्मूला से खाना है। पहले आपको शेक वेल करना पड़ेगा, शेक वेल बिफोर यूज़, उसके बाद आपको इस ढक्कन में लेकर खाना है। एंड इसके बाद आप पानी ना पिए, क्योंकि वो असर कम करेगा, खाकर ही आप सो जा सकते हैं। सो मैं आइए इसका रिव्यू बता दूँ आपको, क्योंकि मैं इसे अभी अब देख ही सकते, इतना सारा ख़त्म हो गया है, बस यही इतना बचा है, बस इतना बचा है। तो मैं इसे खाए हुए ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हो गया है, और मेरा कफ समय के साथ कम होता जाता है, तो वैसा ही कम हुआ है। इसके सिरप की वजह से इंस्टेंट एकदम ख़त्म नहीं हो गया, मैं ये नहीं कह सकती। तो ये असर काफ़ी देर से कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले भी मैंने बहुत सारे सिरप्स खाए हुए हैं। जिट है, जिट एक मुझे याद आ रहा है, और भी कई तरह के थे, और वो जो है इंस्टेंट काम करता था। मैं 2-3 दिन खाने के बाद वो ख़त्म हो जाता था मेरा खांसी, पर इससे मुझे लग रहा है कि असर नहीं हो रहा है। मेरा खांसी अभी भी वैसा ही है, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, जो कि समय के साथ हो ही जाता है। सो मैं कहूँगी आप मेरी बातों को, और सिर्फ मेरी बातों को ही ना माने, आप खुद भी ट्राई करें, और ज़रूरत पड़े तो आप डॉक्टर से भी सलाह करें।